कर रहे हैं जी। तहरीक-ए-लब्बैक वाले जगह जगह हमने कैंप देखे हैं, आपके मुख्तलिफ कैंप्स में हम विजिट भी कर रहे हैं, तो हमें खुशी है कि तहरीक-ए-लब्बैक जो है वो आगे बढ़ के कौम की खिदमत के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं जी। बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं कि दावत-ए-इस्लामी का शोबा FGRF के तहत ये सारा काम हो रहा है और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यहाँ पे लोग आकर खुद ये देखें, आपने देखा सारा सामान वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ से 2 दिन हो गए हैं इस्लाम भाई, यहाँ पर जो हमारे वर्कर हैं वो 24 घंटे यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और यहाँ से सामान सीधा हमारे मरकज़ जी। पका पकाया खाना, इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त शामिल है। आपको गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त के अंदर मदद फरमाएँ, तावन करें, आगे बढ़ें, हमारा साथ दें। अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में कामयाब फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैनल। आज हम आपको लाए हैं, फ्लड रेजिंग कैंप लगे हुए हैं जगह जगह लाहौर शहर में, तो हमने कहा कि इसकी आपको कवरेज दें। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, अभी दावत इस्लामी का फ्लड रेज कैंप लगा हुआ है यतीम खाने के पास, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं और देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को सामान जो मुहैया किया जा रहा है, मुतासरीन तक सामान जो पहुँचाया जा रहा है, इसमें कौन सी ऐसी खुराक है जो पहुँचाई जाएगी, इसके अलावा वो क्या तरीक़ेकार है जिस तरीक़ेकार से यहाँ पर कलेक्शन करके ये लोग सामान यहाँ पर भेजते हैं। तो आइए हम आपको इनसे बात करते हैं और इनसे मिलवाते हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि ये क्या तरीक़ेकार है जिसके तहत सामान यहाँ पर कोई अगर देना चाहे कैंप में तो वो कैंप में देकर आगे पहुँचाया जा सकता है। आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी, खैरियत से। अच्छा, हम लोग आए हैं चैनल की तरफ से, आपसे बात करना चाहते हैं। दावत इस्लामी के कैंप लगे हुए लाहौर में मुख्तलिफ़ जगह पर, अभी हम आपकी कवरेज के लिए आए हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पर आप लोग जो काम कर रहे हैं इसका तरीक़ेकार क्या है। अगर कोई आपको यहाँ पे देना चाहता है, खुराक देना चाहता है, कोई पैसे देना चाहता है, तो आप लोगों का कलेक्शन का सिस्टम क्या है, और कलेक्शन के अलावा कि आप लोग किस तरह की खुराक आपको चाहिए, अगर कोई आपको खुराक देता है वो कैसी चाहिए, और आप फिर उसको इकट्ठा करके कैसे आगे तरसील पहुँचाते हैं मुतासरीन तक, इस पर ज़रा बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दावत इस्लामी का शोबा FGRF के तहत ये सारा काम हो रहा है और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यहाँ पे लोग आकर खुद ये देखें, आपने देखा सारा सामान वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ से 2 दिन हो गए हैं इस्लाम भाई, यहाँ पर जो हमारे वर्कर हैं वो 24 घंटे यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और यहाँ से सामान सीधा हमारे मरकज़ जो टाउन के अंदर जा रहा है। जो टाउन के अंदर हमारा सामान जमा हो रहा है, वहाँ से ट्रक जा रहे हैं सैलाब जदगान के लिए, और अब जो यहाँ पर सामान जमा हो रहा है ये सामान सीधा सैलाब जदगान के लिए जाएगा। लोग यहाँ पर आके तावन कर रहे हैं, अपना सामान दे रहे हैं, आपके सामने पड़ा सारा सामान। यहाँ पर अभी एक भाई ने आके 10 तोड़े चीनी के दिए और बाकी भी सामान माशाल्लाह देके जा रहे हैं, इमदादी रकम भी देकर जा रहे हैं। ये बताएं कि आपको किस तरह का सामान चाहिए, कैसा सामान आप रेकमेंड करते हैं, आप लोग क्या कहते हैं कि कैसा सामान लोग आपको दें? पहले तो जो लोग सामान दे रहे थे वो अपने कपड़े वगैरह देते थे, लेकिन वो सामान हमने बेच दिया है। अब हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो खाने पीने के सामान की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो हम लोगों से ये कहेंगे कि वो खाने पीने के सामान जो है वो आके हमें दें, ताकि हम उन लोगों तक पहुँचा सकें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर आपको कोई सामान यहाँ पर देता है, आप लोग कलेक्ट करते हैं और यहाँ से आपने बताया कि जोहो टाउन आपके हेड ऑफिस जाता है, आगे से तरसील का निज़ाम क्या है आपका, मुतासरीन तक आप किस तरह पहुँचाते हैं? मुतासरीन तक पहुँचाने के लिए हमारे यहाँ से हर रोज़ एक दो 3 ट्रक यहाँ से जा रहे हैं, जोहर से लाहौर के अंदर से जा रहे हैं, बकिया इलाकों से भी जा रहे हैं, लेकिन लाहौर से 2-3 ट्रक रोज़ के जा रहे हैं। और यहाँ से हमारा जितने भी लाहौर के जितने भी स्टॉक लगे हुए हैं वो सारा सामान जोहो टाउन के अंदर जाता है, वहाँ से सीधा ट्रक के ज़रिए सैलाब ज़दगान इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। तो आपका क्या प्रोग्राम है यहाँ पर, आपकी तंजीम की तरफ से कितने दिन तक आप लोगों ने कैंपिंग करनी है, क्या प्रोग्राम है, आप कितने दिन तक यहाँ मज़ीद बैठेंगे? हमें मरकज़ की तरफ से जो यहाँ पे बैठने का कहा गया वो 20 दिन का कहा गया है। 20 दिन तक हम यहाँ पे रहेंगे, लोग जितना हमें सामान देंगे हम सैलाब ज़दगान इलाकों तक खुद भी जाएंगे, और जो अगर कोई सामान देकर कहता है कि हम उन सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर खुद लोगों को ये सामान देंगे, तो उनको साथ भी ले जाया जा रहा है, ताकि वो जो अपना सामान दे रहे हैं, जो अपनी माली रकम दे रहे हैं, ताकि उनको भी यकीन हो जाए कि हमने जो माली रकम दी है दावत इस्लामी उसको बेहतरीन अंदाज से लोगों तक पहुंचा रही है। सही है जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। दावत इस्लामी पेश है अपने काम में और लोगों की खिदमत में सैलाब मुतासरीन के हवाले से। तो हमें थोड़ा सा ये बताएँ कौन कौन सा सामान आपके पास आ चुका है? अभी हमारे पास ये बोतलें वगैरह हैं, और ये दालें वगैरह हर तरह की, और चावल हैं, चीनी हैं, उसके बाद नमक वगैरह है, बाकी ये बिस्किट जूस वगैरह जो लोग अपने दुकानों से वगैरह से आके हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, इसी अंदाज से बाकी सामान। नकद रकम का भी कलेक्शन है आपके पास? नकद रकम का भी कलेक्शन है, माशाल्लाह हमारे यहाँ से तकरीबन काफ़ी अंदाज से काफ़ी वाले जगह जगह हमने कैंप देखे हैं, आपके मुख्तलिफ कैंप्स में हम विजिट भी कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि तहरीक-ए- लब्बैक जो है वो आगे बढ़ के कौम की खिदमत के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं जी। बहुत शुक्रिया। हम कह रहे हैं जी तहरीक-ए-लब्बैक वाले जगह जगह हमने कैंप देखे हैं, आपके मुख्तलिफ कैंप्स में हम विजिट भी कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि तहरीक-ए-लब्बैक जो है वो आगे बढ़ के कौम की खिदमत के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं जी। बहुत शुक्रिया। काफ़ी अंदाज से काफ़ी रकम यहाँ से जमा हुई है और जो हमने भेज दी है मरकज़ में। चले जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं तहरीक-ए-लब्बैक के कैंप के ऊपर। तहरीक-ए-लब्बैक का ये कैंप आउटफॉल रोड लाहौर में लगा हुआ है, तातागंज बख्श टाउन के अंदर। यहाँ पर हम आपको लाए हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है और यहाँ पे किस तरह से लोगों की मदद के लिए, सलाह मुतासरीन के लिए लोग क्या यहाँ पर सामान दे रहे हैं और ये कैसे आगे तरसील कर रहे हैं। ये आप देखें, ये कैमरा मैन हमारे करीब अगर आएँ तो यहाँ पर इनको दिखाएँ कि ये कपड़े जो हैं ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए और उसके अलावा मर्दों के लिए अलग अलग कपड़े जो है सॉर्टिंग करके यहाँ पे दिए जा रहे हैं, पैकेट बनाए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर ये भी दे सकते हैं। कपड़ों के अलावा यहाँ पर खुश खुराक भी जो है मौजूद हम देख रहे हैं और इसके अलावा बिस्तर यहाँ पर मौजूद हैं। बिस्तर जो है यहाँ से भेजे जा रहे हैं सलाम मुतासरीन के लिए। पानी की बोतलें बैकग्राउंड में मौजूद हैं, वो भेजी जा रही हैं। और इसके अलावा खुश खुराक के जो हैं बैग बने हुए हैं, राशन बैग, वो यहाँ से भेजे जा रहे हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इनके निगरान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं सर। क्या इसमें करामी आप? मोहम्मद आमिर नक्शबंदी। आमिर नक्शबंदी साहब, आपको हम चैनल में खुशामदीद कहते हैं। असल में हमारा एक अखबार है ऐलान सहर और उसके अलावा हम यूट्यूब चैनल से बात करते हैं। तो हम यही कर रहे हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक के जो मुख्तलिफ कैंप लगे हुए वहाँ पर जा रहे हैं, उनको विज़िट कर रहे हैं। तो उनके अंदर हम कवरेज दे रहे हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक किस तरह काम कर रही है। तो आप हमें थोड़ा बताएँ, हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। सलाम मुतासरीन के हवाले थोड़ा से बात करें जरा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में हजरत गुजारिश ये है कि अल्लाह का शुक्र है, कपड़े वगैरह, खेमे वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहे हैं और यही चीज़ें आगे चाहिए। खुराक चाहिए, खुश्क राशन जो है ना वो हमें चाहिए। असल में इस वक्त तो आपको पता है उनका सब कुछ तो बेचारों का जो है ना वो बह गया है, तो अभी तो हर चीज़ उन्हें चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कल तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से सिलेंडर तक गए हैं, खेमे गए हैं, सिलेंडर तक गए हैं। इंशाल्लाह आज मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ सुबह तक वहाँ पे 100-200 घर बस जाएंगे, मतलब वो खेमों के हवाले से इंशाल्लाह। तो इसमें आप लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं मुख्तलिफ कैंप्स हमने विज़िट किए हैं लेकिन हमें मेडिसिन कहीं नज़र नहीं आ रही। तो मेडिकल के हवाले से भी कोई आप फैसिलिटी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरे पास मेडिसिन पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिसिन भी आ रही है, ज़रूरत भी है वहाँ पर। लेकिन मेरे दोस्तों के साथ जो मतलब बातचीत हो रही है वो इस हवाले से हो रही है कि वहाँ पे भी हमें पता नहीं क्या चीज़ चाहिए और वो लोग कुछ और हमें देके जा रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमसे कुछ कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि हम बता सकें हमें वहाँ पे क्या चाहिए। जी हम आपके पास इसलिए आए हैं कि आपकी आवाज़ हम उन लोगों तक पहुँचाएँ जो मदद करना चाहते हैं। तो आप हमारे चैनल के ज़रिए लोगों को बताएँ कि आपको क्या चीज़ें एग्जैक्टली चाहिए वहाँ पर। जी हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह गई है वहाँ पर डॉक्टरों की, और आज इंशाल्लाह हमें बता देंगे। वैसे अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं हैज़ा वगैरह के हवाले से, बुखार ज़ुकाम के हवाले से चीज़ें ले गए हैं, तो इंशाल्लाह आज वो हमें और बता दिया जाएगा इंशाल्लाह कि क्या क्या हमें चाहिए। वैसे मेरे पास मेडिसिन काफ़ी माशाल्लाह मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी साथी कुछ देना चाहें वो काइंडली राशन के हवाले से ध्यान करें। घी हो गया, दालें हो गई, चावल, आटा, ये चीज़ें चाहिए वहाँ पर। अब इंशाल्लाह भी आप थोड़ी देर में देखेंगे ये सामान पैक हो रहा है यहाँ पर। आप अगर आपका कैमरा दिखा सके तो ये हमारा सामान यहाँ पर पैक हो रहा है, जिसमें एक पूरी फैमिली के कपड़े मौजूद हैं, यहाँ तक कि जूतियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हम डाल रहे हैं। हाँ जी, तो इंशाल्लाह अभी जूतियाँ और आ रही हैं, 100 कार्टन आ रहा है हमारे पास, वो भी इंशाल्लाह हमने 2-3 जोड़े वो डाल रहे हैं कि जो साइज़ उनका आएगा वो आपस में मैनेज कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह पाक हमें इस्तकामत दे। जी ज़रूर इंशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी तहरीक-ए-लब्बैक वाले। जगह जगह हमने कैंप देखे हैं, आपके मुख्तलिफ कैंप्स में हम विज़िट भी कर रहे हैं। तो हमें खुशी है कि तहरीक-ए-लब्बैक जो है वो आगे बढ़ के कौम की खिदमत के लिए हाजिर है। इंशाल्लाह आपके लिए दुआएँ हैं और नेक तमन्नाएं हैं जी। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि जब आप इमदाद दे रहे हैं, मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप तसल्ली करने के बाद, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद, अपनी कीमती रकम, अपना कीमती सामान जो आप पहुंचाना चाहते हैं वो किसी के हवाले करें। क्योंकि मालूमात के मुताबिक यहाँ पर जो फ़कीर ऐसे लोग जो मांगने वाले यहाँ पर तबका मौजूद था लाहौर के अंदर, वो यहाँ से काफ़ी हद तक उन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल चुका है मुल्क के जहाँ पे सैलाब ने तबाही मचाई और मुतासरीन के कैंप मौजूद हैं। शुरू में हमारे साथ एक यहाँ पर हमारे एक दोस्त भी मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे क्योंकि उनके इलाके में भी काफ़ी तबाही मची है और वो वहाँ पे आंखों देखा हाल उन्होंने देखा है और आज लाहौर आए हैं तो हमने उनको बुलाया है स्टूडियो। शुएब साहब मौजूद हैं, ये मुतासरा इलाके से हैं, ये वहाँ से आंखों देखा हाल आपको बताएँगे नाजरीन के किस तरह से वहाँ पर लोगों के साथ इमदाद का सिलसिला चल रहा है या वहाँ पर जो मुस्तहकीन हैं उन तक उनका हक़ पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, या जिस मकसद से हम वीडियो बना रहे हैं कि वो लोग जो मुस्तहिक नहीं हैं और वहाँ पर जाके कैंप में रह रहे हैं तो उनका भी आंखों देखा हाल आपके सामने बयान करेंगे। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदीकी साहब आपका शुक्रिया, ये बहुत आपने एक अच्छी बात आपने ये पूछी है। मैं इस बारे में आपको बताता जाऊँ कि मैं ज़िला रहीम यार खान से हूँ, डिस्ट्रिक्ट ज़िला रहीम यार खान से ताल्लुक़ है मेरा। बामकाम फिरोज़ा वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। ज़िला रहीम यार खान से छोटा कस्बा है, शहर है फिरोज़ा के नाम से, तो वहाँ पे सदीकी साहब कम व बेश 3 ट्रक मुझे कहा गया है कि हमने तैयार किए हुए हैं सैलाब जदगान के लिए। जनाब उसमें हर चीज़ है, कपड़े हैं, जूते हैं और राशन का भी इंतज़ाम, उसमें सारी चीज़ें हैं। और साथ ही वो कह रहे हैं कि गालबन कमो बेश 30 लाख रुपए से अबाव रकम भी उन्होंने वो मतलब कर ली है सैलाब जदगान के लिए ना, वो फंडिंग की है। तो ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान से का शहर है फिरोज़ा, वहाँ से माशाल्लाह वो जा रहे हैं ट्रक ज़िला राजनपुर के लिए, वहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं क्योंकि उनको वही साथ लगते हैं। फिर में जितने भी हमारे इसमें जज्बे के साथ NGOs हैं, जितने भी इदारे हैं, गवर्नमेंट है, आर्मी है, जितने भी इदारे इसके लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और ज़्यादा इसमें जज्बा पैदा फरमाए आपके अंदर के भी। बहुत शुक्रिया जी कारी शुएब साहब आपका। तो व्यूज़ आपने देखा कि इधर भी हमारे साथ कारी शुएब साहब ने यही बात कही जो हमारा मकसद था वीडियो बनाने का, कि वो लोग के जो इसके मुस्तहिक नहीं हैं उनसे सिर्फ परहेज़ करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि